हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो है जो धनबाद डिवीज़न का जो क्वेश्चन है उसी को कंटिन्यू करते हुए, पहले जो रेलवे का और जो वैगन्स और LHBIC कोचेज़ का जो क्वेश्चन था उसको हमने पूरी तरह से डील कर दिया है। इंग्लिश भी ख़त्म हो गया है, अब मैथ 61 से शुरू है। तो चलिए मैथ 61 से शुरू करते हैं। इस तरह से पूरी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, इसके बाद जो है और एक दूसरे डिवीज़न का क्वेश्चन है वो कराऊंगा। इस तरह से आपका काम, ध्यान से वीडियो को देखते रहे, इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, और साथ ही बहुत सारे जोनों का पूछा हुआ क्वेश्चन दूसरे जोन में रिपीट भी किया जाता है। तो जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाए सारे क्वेश्चन को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार आप, जब तक आपका अपना ना हो जाए, कहने का मतलब है कि जब तक आप कंफर्म ना हो जाए कि ये हमें आती है, तब तक उसको बनाते रहें। तो इस तरह से चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने वीडियो शुरू किया था, बीच में वीडियो कॉलिंग आ गया, इसलिए इस पर मैंने फ्लाइट मोड में डाल के वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए, ये 8^3 × 8^2 × 8^-5, यानी कि सबका पावर है, बीच में गुना है। तो देखिए, जब भी गुना में पावर हो, ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है कि x^m इंटू इंटू है x^m × x^n बराबर था x^m+n, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी तरह हम देखिए, अब इसको सब पावर जुट जाएगा, ये सारे पावर जुटेंगे, कैसे जुड़ेंगे? अब अगला लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, 8^3 + 2 + ये भी -5 भी जुट जाएगा, ठीक है। उसका अगला लाइन देखिए क्या होगा, यहाँ तक तो क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, ये सबको प्लस के चिन्ह से जोड़ा है। उसके बाद अगला लाइन क्या हो जाएगा, 8^2 + 8^3 + 2, आई इधर जो है प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8^-5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3, और इसको जोड़ेंगे, अब 3 और 2 5 हो गया, 5 में से 5 क्या शून्य हो गया, 8^0। और एक फार्मूला होता है कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो, यानी कि x^0 = 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी ए में है, ऑप्शन ए में 1 है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, पहले द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, मतलब कि पहले 50 जो प्राकृतिक संख्या है उसका औसत निकलना है। प्राकृतिक संख्या होता क्या है, एक से शुरू होकर और करोड़ों तक जाए, उसको वही संख्या, मतलब जो गिनती के अंक हैं वो सारे प्राकृतिक संख्या है, माइनस वाले नहीं है, ठीक है। तो जिसमें सम विषम जो भी है सभी आ जाएंगे, लेकिन माइनस वाले नहीं आएंगे, उसको प्राकृतिक संख्या बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, जैसे ही आपको प्राकृतिक संख्या आए और आपको औसत पूछ दे तो कुछ नहीं, उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि एक फार्मूला होता है n+1/2, ठीक है, n+1/2 एक फार्मूला होता है। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, n कितना है 50 है, 50 में 1 जोड़ दिए और 2 से भाग दे दिए, ठीक है। अब 50 में 1 जोड़िएगा तो 51 हो जाएगा, 51 में 2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया, 25.5। अब देखिए, यहाँ एवरेज पूछा था तो हमने डायरेक्ट एवरेज निकाल लिया। अगर आपको जोड़ पूछे, 1 से लेकर 50 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना होता है, या 1 से लेकर 100 तक का जोड़ कितना होता है, या 1 से लेकर 40 तक की प्राकृतिक संख्या, लेकिन प्राकृतिक संख्या लिखा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो जोड़ जब भी आपसे पूछे जोड़, तो उसका अलग फॉर्मूला होता है n × n+1/2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका जोड़ अगर आपको निकालना है, अगर इसका जोड़ पूछ दे तो 50, ठीक है, गुना 50+1 कितना, 51/2, ठीक है। अब इसको इससे काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, 25 बार। अब इसको इससे गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वही इसका जोड़ होगा, ठीक है। इसका गुना करके कमेंट में लिखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इस बार हमने आपको पेज पर इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि पिछली बार जो है मैंने ये डायरेक्ट उसी पर PDF के ऊपर सॉल्व करना शुरू कर दिया, एक मिस्टेक से, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका एक माइनस का चिन्ह छूट गया था, जिसके वजह से आंसर 3 आने की जगह 2 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 63, 7^-5 × 7^2, ठीक है,
बट्टा में 7 के पावर 3 गुने 7 के पावर -8। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे है देखिए, आराम से इसको सॉल्व करना है। हमने आपको बताया कि पावर जो है गुना में रहेगा तो जुट जाएगा, ठीक है, और भाग में रहेगा तो घट जाएगा। तो 7 के पावर -2 और 7 के पावर 2 इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 के पावर -3 आएगा, ठीक है, क्योंकि हानि हो गया 5 रुपये का और लाभ हो गया 2 रुपये का, तो हानि कितना हुआ 3 रुपये का। इसी तरह जोड़ा जाता है तो आपको गड़बड़ नहीं होगा। तो हम लाइन में लिखेंगे 7 के पावर -3 ऊपर वाले का हो गया और नीचे वालों का जो सॉरी दोस्तों, तो नीचे वाला जो है 7 के पावर 3 गुने 7 के पावर -8 है, ठीक है, तो हानि हो गया 8 रुपये का और लाभ हो गया 3 रुपये का, तो हानि कितना हुआ 5 रुपये का, यानी कि 7 के पावर -5 आ गया, यह -3 है। ओके, अब देखिए ये भागा में है, तो हमने आपको बताया था कि जब भी भागा में हो तो क्या करते हैं, पावर को घट जाता है, घट। तो घटता कैसे है देखिए, इसमें भी एक राज है, देखिए कैसे घटता है। 7 के पावर -3 माइनस कितना, -5। 7 के पावर -3 -5, यानी कि 7 के पावर जो -3 उसमें से हम घटाएंगे, तो अब घटेगा नहीं, अब अभी जुटेगा। देखिए कैसे, अगला लाइन देखिए, 7 के पावर तो -3 तो पहले से है, ठीक है, और माइनस को गुना हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, 5। अब देखिए लॉस हो गया 3 रुपीज़ का और बेनिफिट है 5 रुपीज़ का, लाभ प्रॉफिट, तो कितना हो गया +2 आंसर आएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 7 के पावर 2। ऑप्शन में देखिए 7 के पावर 2 कौन सा है, बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर 49 रहता, 7 के पावर 2 बराबर 49 भी होता है, अगर 49 रहता तो भी यही आंसर होता, अगर ये है तो भी यही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 63 हो गया आपको। चलिए 64 की तरफ, बहुत आसान है। देखिए पूर्णांक में सबसे पहले तो अपना काम क्या करना है, पूर्णांक को तोड़ना है। पूर्णांक तोड़ना बहुत ही आसान है, इसमें से इससे गुना करके इसको जोड़ना है, 3 का 3 2 5/3 हो गया, ठीक है, प्लस 3 2 6 1 7/3 हो गया, ठीक है, प्लस 3 2 6 2 8/3 हो गया, यह माइनस है, ध्यान रखिएगा चिन्ह का, हमेशा ध्यान रखिएगा परीक्षा में, 4 2 8 1 9/2 हो गया। अब देखिए इस सब का ये भिन्न के जोड़ हो गया, ठीक है, भिन्न के जोड़ बजाना बहुत आसान है, इस सब का लघुत्तम निकालिएगा तो 6 आएगा, ठीक है, इसमें इससे भाग दीजिएगा, इसमें इससे भाग दीजिएगा, जो आएगा उसको ऊपर वाले से गुना किया जाता है, तो 3 2 6 5 2 10 हो गया, 3 2 6 7 2 14 हो गया, 3 2 6 8 2 16 हो गया, माइनस है 2 3 6 9 3 27 हो गया। अभी तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 10 की 0 हाथ में, 1 1 2 3 3 1 40 हो गया, ठीक है, अब माइनस यहाँ कितना है 27/6, ठीक है, 40 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, 13/6। अब इसको पूर्णांक में क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी पूर्णांक में ऑप्शन है, तो इसको भाग दीजिएगा, अगर पूर्णांक तोड़िएगा तो देखिए इसका ऑप्शन ई आएगा, ये सी, क्योंकि 6 2 12 1 13/6 होता है, ठीक है। पूर्णांक तोड़ने का देखिए कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा ये भी देख लीजिए, हम 6 में 13 से 13 में 6 से भाग देंगे, 6 2 12 कितना बचा, 1। देखिए जो सबसे नीचे रहेगा वही ऊपर जाएगा पूर्णांक में, तो ऊपर 1 होगा, ठीक है, इधर जो है इधर वाला इधर आएगा, ठीक है, इधर वाला उधर जाए नीचे जाएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा, इस तरह से पूर्णांक बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। अब ये ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति से है, लेकिन दिखने में जितना भारी लग रहा है उतना है नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए कहता है कि इफ़ टेन एक्स बराबर साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री देन एक्स बराबर क्या, करने का मतलब है कि यदि टेन एक्स बराबर साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री देन, ये टेंट नहीं है देन है, देन एक्स मतलब तब एक्स बराबर क्या होगा, ये एक्स का मान निकालना है,
बहुत आसान है, ठीक है। सबका मान हम बैठा देंगे, आपको सबका मान ध्यान रखना चाहिए। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, ठीक है। और कॉस ठीक उसका उल्टा हो जाता है। तो साइन और कॉस का, यानी केवल साइन का भी काम अगर याद हो गया तो आप सारे त्रिकोणमिति का जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबका निकाल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के बीच जो संबंध जो उनका है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर इसका विशेष डीपली जानना चाहते हैं तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, त्रिकोणमिति लिखिएगा, बहुत सारे आ जाएंगे, वो पढ़ा देंगे। मैं भी अब चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल जो भी क्वेश्चन आए हैं दूसरे दूसरे जोन से, पहले उस सारे को डील कर लूँगा, ठीक है। बीच बीच में अपना जो PDF है उससे भी पढ़ाता रहूँगा आपको। इस तरह से चलिए, तो क्या है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का मान भी वही होता है क्योंकि दोनों बीच में पड़ जाते हैं, तो वही खाली दोनों सेम होता है, बाकी सब इसका अपोजिट होता है। तो साइन 45 डिग्री कह रहा है तो साइन 45 डिग्री की जगह 1/2 कर दिए, 1/√2 गुना इंटू है तो गुना, कॉस 45 डिग्री भी होता है 1/√2, ठीक है। अब प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 0 0 साइन 30 हाफ, यानी कि 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब इसी को सॉल्व करना है और जो मान आएगा उस मान को टेन में बैठा देंगे, हो गया। तो देखिए पहले गुना के काम होता है बोडमस के नियम के अनुसार, आपको मालूम है, तो ये इसका काम नहीं होगा, इसका काम होगा। तो √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस 1/2। अभी भिन्न के जोड़ हो गया, दोनों का लघुत्तम हो गया 2, 2 में 2 से भाग दिए 1, 1 1 में 2 से गुना किए तो 2, 1 1 सॉरी 1 में 1 से गुना किए तो 1 आया, फिर 2 में 2 से भाग दिए तो 1, 1 में 1 से गुना किए तो 1, इस तरह से हो गया 2/2, काट के आइएगा तो 1 होगा, ठीक है। अब टेन एक्स, टेन एक्स मतलब टेन का कितना डिग्री का मान 1 है वो पूछ रहा है, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री बराबर 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन में देखिए 45 डिग्री बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब टेन 45 डिग्री का मान आपको नहीं मालूम हो तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन का मान साइन थीटा को मान और कॉस थीटा का मान बैठा दीजिए, कट कुट के एक ही आएगा, ठीक है, आपको विश्वास नहीं है देख लीजिए। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का मान कितना है 45 डिग्री का 1/√2 है, कॉस थीटा का मान भी 1/√2 है, ठीक है। अब इसका भाग में है तो आपको मालूम है कि अगला लाइन में ही क्या हो जाएगा, एक दूसरे से अपोजिट हो जाता है, तो यानी कि 1/√2 गुणे 2√2/1, कट कुट के सब एक आ जाएगा, ठीक है। टेन 45 डिग्री का मान एक, इस तरह से आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 जो है क्या है, कहता है इफ ए बराबर 64 एंड बी बराबर 289, यानी 289, देन अंडर रूट रूट ए प्लस रूट बी माइनस अंडर रूट रूट बी प्लस रूट बी माइनस रूट ए का पावर हाफ। देखिए दिखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं, दिखने में लग रहा है कि बहुत पहाड़ है, लेकिन कहावत आपने सुना होगा कि खुदा पहाड़ निकली चूहिया, ठीक है। तो बहुत बहुत ही आसान है, हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ए का मान बैठा देंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ बी का मान बैठा देंगे, ठीक है। सॉरी दोस्त, तो देखिए बहुत ही आसान है, देखिए पहले क्या है, अंडर रूट रूट ए, ठीक है, रूट ए है, रूट ए क्या है, ए बराबर 64 रहते हैं, 64 ले लेंगे, डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं लेकिन चलिए अगली लाइन में लिखेंगे। फिर देखिए रूट बी, रूट बी है ना, तो रूट बी की जगह पर 289 लिखेंगे, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, उसके बाद क्या है, रूट बी माइनस रूट ए, तो देखिए वही लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट रूट बी कह रहा है, तो रूट बी है 289 माइनस
रूट ए बोल रहा है, तो रूट ए कितना है, 64 है। बहुत आसान है, बैठा दिए, अब कुछ नहीं है। 289, 17 का वर्गमूल जो है 17 आता है और 64 का 8 आता है, ये तो आपको मालूम है, क्योंकि 17 में 17 से गुणा कीजिएगा तो 289 आएगा। अगला लाइन देखते हैं, ये हो जाएगा 8, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा तो वर्गमूल निकलेगा। ये देखिए 289 तो हो जाएगा 17, ये माइनस लगा दिए, फिर ठीक, फिर यहाँ 17 माइनस 8 हो गया। बहुत आसान है। उसके बाद देखिए अगला लाइन चलते हैं, ये देखिए 17 और 8 कितना हो गया, 25, √25 हो गया। माइनस 17 में 60 गया तो कितना हो गया, 9, 9 8 17, तो √9 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, 5 में से 3 कितना हो गया, 2। कितना आसानी से बन गया। देखिए ऑप्शन किस में 2 है, ऑप्शन नंबर बी में 2 है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 66 हो गया। 67 की तरफ चलते हैं, देखिए 67 कहता है कि इफ 2 + √3 बराबर ए है, बराबर इफ 2 √3 इंटू ए बराबर 2 - √3, 2 + √3 इंटू ए बराबर 2 - √3 इंटू बी, ये कंडीशन दिया है, ठीक है। तब क्या करना है कि 1/a + 1/b निकालना है, ठीक है। क्या करना है, 1/a + 1/b निकालना है, तो बहुत आसान है। देखिए अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए समीकरण है, बराबर के चिन्ह है दोनों तरफ, जो है नंबर है तो क्या समीकरण है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए को इधर रोक लेंगे, ठीक है। आपको मालूम है कि समीकरण में जो उधर जाता है, इधर गुणा में है तो उधर भाग में हो जाता है, तो हम ए को क्या करेंगे, रोक लेंगे, उधर भेजेंगे। तो ए को हमने रोक लिया, तो ये पूरा जो है चैप्टर हिसाब किताब उधर चला गया, पोथी पहिया, ठीक है। बहुत आसान है, तो बराबर उधर क्या हो गया, और उधर से बी क्या है गुना में, तो उधर से बी को इधर बुला लेंगे, तो बी इधर आ गया, तो बराबर में उधर हो जाएगा, पहले से 2 - √3 था, ठीक है। आ इधर जाएगा तो इसका भाग में हो जाएगा, 2 + √3 हो जाएगा, ठीक है। 2 - √3 था और 2 + √3 हो जाएगा। अब देखिए इसको ए का जगह ए या बी के जगह बी बैठा देंगे, 1/a कराए ना, तो 1/a हो जाएगा, ए का क्या है, ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो 2 - √3 है, ठीक है। प्लस 1/b बोलता है तो बी कितना है, 2 + √3 है। अब इसको गौर से देखिए, ये क्या है, a - b × a + b है ना, a - b × a + b, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a + b × a - b बराबर होता है a² - b², ठीक है। तब क्या हो जाएगा, अभी नहीं होगा, अभी इसको लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 - √3 × 2 + √3, ठीक है। अब इसका लघुत्तम हो गया, अब इसका लघुत्तम हो गया तो ई तो हो गया a + b × a - b के फॉर्म में, लेकिन यहाँ हमको सॉल्व भी करना है। तो देखिए 2 - √3 ई पूरा से इसमें भाग देंगे तो ई कट जाएगा, ई बचेगा 2 + √3, ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह। अच्छा अब पूरा में इसमें भाग देंगे तो ई कट जाएगा, बचेगा 2 - √3, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला लाइन देखिए। अब देखिए -3 जो है ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट गया, 2 और 2 ऊपर कितना हो गया, 4, ठीक है। अब नीचे a² - b² हो गया ना, a + b × a - b, तो a² की जगह पर 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और माइनस b² - √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा, ठीक है। तो 4 में से 3 गया, ऊपर रह गया 4, और नीचे 4 में से 3 गया 1, यानी कि आंसर किसका है, कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 किस में है, डी में है। बहुत ही आसानी से हो गया, आप वीडियो को रोक के चाहे तो आप रफ कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको व्हाट्सएप पर बोलिएगा तो आप भेज दिया भी जाएगा रफ किया हुआ, लेकिन आपको मांगना नहीं चाहिए, ये बहुत ही आलसी लोगों का काम है कि मैथ का रफ भी दूसरों से मांगे, ये आप खुद ही करना चाहिए। चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, 68 देखिए।
बोल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो है, ये कंडीशन लगा दी है। देन यानी तब वन बटे ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस वन बटे बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस वन बटे सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, दिखने में लग रहा है भारी लेकिन है आसान। देखिए क्या करेंगे इसको, इसको करना कुछ भी नहीं है, पहले ये जो ए है उसको पहले हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है ना, कंडीशन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, माइनस जो है ए बी को उधर भेज देंगे, ए बी को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, ध्यान रखिएगा, बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, ये ऐसा कर सकते हैं ना, ये ए बी को उधर भेज सकते हैं। दूसरा देखिए, बी सी को अब उधर भेजेंगे, एक एक करके तीनों को उधर भेजेंगे, अब क्या हो गया, माइनस ए बी का मान ही हो गया, तो बी सी को उधर भेजेंगे। चलिए बी सी को भेजते हैं, बी सी को उधर भेजते हैं, तो बी सी को उधर भेजेंगे तो इधर बच जाएगा ए बी। ठीक है, इधर बच जाएगा ए बी, सॉरी दोस्तों हिल गया थोड़ा मोबाइल, ए बी बी सी को उधर भेजेंगे तो ए बी या प्लस सी ए बचेगा, माइनस उधर बी सी हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था तो उधर माइनस में चला जाएगा। अब देखिए, अब सी ओ को उधर भेजेंगे, सी ए को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी बराबर माइनस सी ए। ठीक है, बहुत आसान है। अब हम मान बैठाएंगे, क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था उसी के अनुसार काम करेंगे। कह रहा है वन बटे ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, तो वन बटा ए स्क्वायर अब माइनस माइनस बी सी का मान यहाँ निकला हुआ है, देखिए ए बी प्लस सी ए। ठीक है, माइनस बी सी का मान निकला हुआ है ए बी प्लस सी ए, तो ए बी प्लस सी ए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ए बी प्लस सी ए, माइनस बी सी का मान है ए बी प्लस सी ए, तो यहाँ माइनस ए बी का माइनस बी इसका मान है ना माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि पूरा माइनस का ही ये मान है, तो प्लस हो जाएगा ए बी प्लस सी ए। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस बी सी का मान ही है। ठीक है, तो जब माइनस यहाँ से निकल गया तो प्लस बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी ए। ठीक है, ये बी सी बराबर है, बी सी प्लस सी ए है ना, बी सी प्लस सी है। ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर देखिए एक का बी स्क्वायर तो लिखवे करेंगे। ठीक है, सी ए का मान यहाँ निकला हुआ है, माइनस सी ए का मान कितना है, माइनस सी ए का मान है ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी। ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर वन बटा देखिए सी स्क्वायर तो लिखेंगे पहले, माइनस ए बी का मान क्या है, बी सी प्लस सी ए, तो बी सी प्लस सी ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, दूसरा क्वेश्चन है अगला लाइन, अगला लाइन बहुत ही आसान है। ठीक है, ये तो वन तो है, सो वन है ये है, इसमें से ए कॉमन ले सकते हैं, ए तीनों में है, देखिए तीनों में है, इसमें भी है, ये किसका मान था, ये मान था अपना माइनस बी सी का, तो माइनस बी सी ए बी प्लस सी ए है। ठीक है, यहाँ ए बी होगा, सॉरी दोस्तों ए बी है। ठीक है, चलिए तो ए कॉमन हमने ले लिया, तो अब क्या बचा, ए बी, ए तो कॉमन ले लिया तो बचा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसमें से ए स्क्वायर था तो ए बाहर आ गया। ठीक है, तो ए बचा, इसमें क्या ए बी था तो ए बाहर आ गया तो बचा बी, इसमें सी ए था तो ए बाहर आ गया तो बचा सी। ठीक है, प्लस है तो प्लस, इसमें से बी कॉमन ले लें, बी स्क्वायर है ना, तो बी कॉमन ले लेंगे, बी तीनों में है, ध्यान देखिए बी कॉमन लेंगे हम, स्क्वायर नहीं,
बी स्क्वायर में से बी कॉमन लिए तो बी बचा प्लस ए बी में से बी कॉमन लिए तो ए बचा प्लस बी सी में से बी कॉमन लिए तो सी बचा। बी प्लस ए प्लस सी चाहे ए प्लस बी प्लस सी तीनों बराबर है एक ही है। उसके बाद देखिए सी स्क्वायर है ना तो इसमें सी कॉमन लेंगे तो बचा सी प्लस बी प्लस ए, ठीक है, या इसको ए प्लस बी प्लस सी कहिए चाहे सी प्लस बी प्लस ए कहिए चाहे बी प्लस सी प्लस ए कहिए, ठीक है, बताए एक बात एक ही है। चलिए देखिए अब तीनों यही है ए प्लस बी प्लस सी है, अब इसको आप बच्चों की तरह लिखने की तो जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी जो है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अभी भिन्न के जोड़ हो गया, भिन्न के जोड़ हो गया, भिन्न के जोड़ हो गया, अब अगला लाइन यहाँ लेके चलते हैं, भिन्न के जोड़ सॉल्व करेंगे, जगह कम है कोई बात नहीं है। अब देखिए भिन्न के जोड़ बनाने के लिए पहले लघुत्तम बनाइएगा, नीचे लघुत्तम में क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों में कॉमन है तो वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हो ही जाएगा, ए बी सी तीनों के गुना हो जाएगा यानी कि ए बी सी, ठीक है। अब देखिए अभी पूरा में इससे भाग देंगे, ठीक है, तो इसमें से क्या कट जाएगा ए ए कट जाएगा, ए बी बी सी ए प्लस बी प्लस सी ए भी कट जाएगा, कितना बचेगा बी सी खाली बचेगा, ठीक है, बी सी बी सी बचेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इसमें फिर इससे भाग देंगे लघु भिन्न के जोड़ बनाने के लिए, तो इसमें से देखिए बी भी चला वाला कट जाएगा ए सी बचेगा, ई तो ये है, ये है, ये भी कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचे हैं बी सी, यहाँ क्या बचा ए सी, ठीक है, ठीक है। अब उसी तरह इसमें भाग देंगे इसको तो इसमें से सी कट जाएगा, ये क्या बचेगा ए बी, बाकी तो सब कट ही जाएगा। अब क्या हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया, इसको सजाइएगा तो इसी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान यहाँ जीरो दिया हुआ है, देखिए तो हम इसकी जगह जीरो भी लिख सकते हैं, अगला लाइन देखिए हम इसकी जगह जीरो लिख सकते हैं ना, तो जीरो के बट्टा में कोई भी संख्या हो ई आएगा बट्टा में, जीरो के बटा में कोई भी संख्या हो तो जीरो हो जाता है, ठीक है, और किसी भी संख्या के पावर जीरो हो तो वन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो गया। देखिए मैंने बोला था खुदा बाहर निकली चुकी, इतना मेहनत से हमने सॉल्व किया और इसका आंसर आ गया मात्र जीरो, तो इस तरह से सॉल्व होता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, वीडियो रोक के आप नोट्स इसका नोट्स बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को 3-4 बार रिविजन कर लीजिए, ये दूसरे जोनों में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जो 50 जो क्वेश्चन था 50 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, वो साउथ सेंट्रल रेलवे में भी पूछा गया है और ये धनबाद डिवीजन का है, जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, 69 बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का है, ठीक है, इसमें क्या करना है सिर्फ घनमूल निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसमें माइनस प्लस का खाली चक्कर फंसा दिया है, तो घनमूल जो है 3 में से 1 चुना जाता है, आपको मालूम है, वर्गमूल 2 में से 1 चुना जाता है, 2 गुणनखंडों में से 1 चुनेंगे तो वर्गमूल होगा, 3 गुणनखंड में से 1 चुनेंगे तो घनमूल होगा, तो इसको देखिए कुछ भी नहीं है, -24 को 3 बार गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है, -24 × -24 × -24 कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, तो तीनों में से हम एक चुन लेंगे 24 24, ठीक है, माइनस इसका आंसर हो जाएगा, 24 नहीं होगा क्योंकि 3 बार -24 गुना करने से आएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा -24 सी, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही केयरफुली सॉल्व करने का है, और नीचे से इस तरह के क्वेश्चन जो है इसको सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, इसको क्या है नीचे से हमेशा सॉल्व करना शुरू कीजिएगा नीचे से, ठीक है, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को नीचे से और आराम से दिमाग शांत करके सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एक आप कर रहे हैं सही लेकिन लिखे में अगर इधर उधर हो गया तो आपका सॉल्यूशन भी इधर उधर हो जाएगा, तो देखिए नीचे शुरू करते हैं, इसकी क्या है भिन्न के जोड़ है, भिन्न के जोड़ बनाना बहुत आसान है, इसके बट्टा में ना कुछ होते एक रहेगा, ठीक है, तो 4 × 1 हो गए, लघुत्तम 4 हो गया, तो 4 में 1 से भाग दिए तो आ गया 4, और 4 में 1 से गुना किए तो हो गया 4, यानी कि 4 × 1 5/4 हो गया, ठीक है, इतना का मान 5/4 हो गया है, ठीक है, अब क्या हो गया 3+1 5/4, तो आपको मालूम है कि तीसरा का जो है ऊपर चला जाता है, तीसरा का जैसे कि 1/2
अब बटे तीन अगर है तो ये तीन ऊपर गुना में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चार जो है यहाँ आ जाएगा, अभी एक नहीं है, अभी चार है, ठीक है। आप कल्पना मन में कीजिए चार है, यानी कि 3 + 4/5 है, ठीक है। 3 + 4/5 है क्योंकि तीसरा ये चार ऊपर गया है। तो देखिए 3 + 4/5 है, ध्यान से देख सुनिएगा, 3 + 4/5 है तो नीचे पाँच है ना, तो 5 3 15, 4 19/5 अब यहाँ तक हो गया, 19/5। इस तरह का और आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, इस तरह के क्वेश्चन को डील करना है, तो सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण आप यूट्यूब में लिखिएगा, आपको बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसको आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से बनता है, अब ये 19/5 है, ठीक है। 2 + 1/19/5 है, 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ आ जाएगा, यह भी 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 19 × 2 = 38, 5 यहाँ, ये 5 है अभी, एक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा था ना इसका बट्टा में तो ऊपर चला गया। तो 19 × 2 = 38, 5 = 43, 43/19 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक का मान जो है 43/19 है, ठीक है, 43/19 है, ठीक है। अब 19 भी 1/43/19 है तो 19 फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 19, ठीक है। एक पहले से 9 लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा 43, ठीक है। अब 43 43 के यदि लघुत्तम निकालिएगा 43 आएगा, 43 43 से इसे पूरा हो जाएगा, 19 + 19 हो जाएगा इसका लघु भिन्न के जो, यानी कि 38/43 कौन है इसका आंसर, देखिए डी है, 38/43, ठीक है। तो इस तरह से मैथ आपका इसमें से ख़त्म हो गया है। 70 नहीं, नहीं और शायद होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, और है और है। चलिए तो इस तरह से उस तरह का उस टाइप का जो क्वेश्चन है हमने आपको डील करके बता दिया। देखिए अब, देखिए अब यह है चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। कैसे है देखिए, यदि कोई धन 2 वर्ष में 1.1449 गुना हो जाता है, ठीक है, इतना गुना हो जाता है धन कोई वर्ष, 2 वर्ष में, यानी समय दिया हुआ है और जो गुना हो जाता है वो मिश्रधन दिया हुआ है, 10 रुपया जो है ब्याज में 2 साल के बाद 15 हो जाता है, यानी कि 10 रुपये मूलधन हुआ और 15 रुपये क्या हुआ, मिश्रधन हुआ, तो ये मिश्रधन दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। मूलधन कुल धन होता है और उसका ब्याज लेके जो जोड़ने के बाद जो आगे प्राप्त होता है वो मिश्रधन होता है, तो ये मिश्रधन आपको दिया हुआ है, हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर पूछ रही है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष हो, मतलब 6 माही 3 माही नहीं है, प्रतिवर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। चक्रवृद्धि, अभी ये फार्मूला तो ट्रिक में भी लगाऊंगा, आपको शायद नहीं आता हो। चलिए अभी देखिए, मूलधन मिश्रधन मालूम हो और मूलधन मालूम ना हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिश्रधन अगर मालूम है और मूलधन मालूम नहीं है तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। मिश्रधन अगर मालूम है, ठीक है, अब मूलधन मालूम नहीं है तो जो जो दर है, दर उसका होल वैल्यू का सीधा गुना किया जाता है। अब होल वैल्यू क्या होता है ये अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, 5% है, ठीक है, तो इसको 5% के बजाय 5/100 लिख सकते हैं, और होल वैल्यू का सीधा बोलेगा तो 105/100 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा बोलेगा तो इसमें से घटा देंगे, उसी को उल्टा कर घटा भी देंगे, उल्टे करेंगे कितना होगा, 95/100 है, तो 100/95, इस तरह से होल वैल्यू होता है। तो देखिए दर का होल वैल्यू का सीधा गुना करने से मिश्रधन आता है, तो दर देखिए दर कितना है, R%, दर हमने मान लिया R%, ठीक है, दर हमने मान लिया R%, और मूलधन हमने मान लिया, प्रिंसिपल हमने मान लिया 10,000, हमने 10,000 ही क्यों माना, देखिए पॉइंट के बाद 4 अंक था इसलिए हमने 10,000 माना है, क्योंकि ये सॉल्व करने में बाद में इजी रहेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, तो मूलधन, मूलधन बराबर, ये मूलधन है, ठीक है, बराबर ये रेट का होल वैल्यू का सीधा गुना गुने मिश्रधन, ये दोनों बराबर होता है। तो रेट का होल वैल्यू पहले निकालते हैं, रेट का होल वैल्यू जो है R%, यानी कि R/100, ठीक है,
आर बटा सौ होल वैल्यू का सीधा, यानी कि सौ प्लस आर बटा सौ प्लस आर बटा सौ, ठीक है। इस तरह से इसका होल वैल्यू आ गया, तो बराबर सौ प्लस आर बटा सौ। जितना साल है उसका स्क्वायर कितना साल है, 2 साल, तो 2 इस पर पावर 2। अब बराबर कितना है, क्या है, मिश्रधन है 1.1449, ठीक है, 1.1449, 1.1449। अब हम काटना शुरू करते हैं, काटना शुरू करते हैं, ठीक है। ये 10,000 इधर क्या है, सॉरी ये गुना में है, ये गुना में है, ये 10,000 गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10,000, 10, 1, 2, 3, ठीक है, 10,000। अब देखिए इसमें इससे भाग दीजिएगा, 10,000 जो है इसका जो है 100 का वर्गमूल होता है 10,000, ठीक है, 100 का वर्गमूल होता है, तो इसको तोड़िए, इसे तो वो नहीं हो पाएगा, टूट नहीं पाएगा। तो देखिए अगला लाइन क्या होगा, 100 प्लस आर बटा 100, ठीक है, का स्क्वायर साफ दिख रहा होगा, बराबर देखिए इसको जो है 100 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं नीचे वाले को 100, ठीक है, 100, और जो है 1.1449, 1.1449 का अगर वर्गमूल निकालें तो कितना होगा, 1.1449, ठीक है, 1.1449 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, पॉइंट तो बाद में देखा जाएगा, चलिए वर्गमूल आपको निकालने आता होगा, ये तो बहुत लंबा जाएगा वर्गमूल, अभी तो आप वीडियो बहुत बड़ा चला। अब एक काम कीजिएगा, इसका जो वर्गमूल निकालेगा ना किसी का ही रूट है, ठीक है, जो भी आएगा, जो भी यहाँ आएगा एक्स जो है, और दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसका भी और इसका भी स्क्वायर करने से इतना आ जाता है, ठीक है, ई पावर से ई पावर कट जाएगा, ठीक है, इस 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका 107 होगा, ठीक है, इसका 107 याद आ गया, 107 को हम, ठीक है, 107 जो है, 107, 107 को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट जो है पॉइंट भी हट जाएगा, क्योंकि अगर हमने 10,000, 10,000 हमने माना है मूलधन, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 11,449 मिश्रधन होगा, ये मिश्रधन, ठीक है, तो ये मिश्रधन ये पॉइंट में नहीं है, ये पॉइंट में मिश्रधन नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब हमने मूलधन 10,000 मान लिया तो मिश्रधन जो है इतना हो जाएगा 11,000, 11,449 रुपया, ठीक है। तो 107 में इसे 107 को जो है इसको कीजिएगा, तो ये इतना है इसका गुना, 107 गुना 107 कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 107 लिख के नीचे 100 लिखेंगे और दोनों का स्क्वायर एक साथ लगाएंगे, इससे क्या होगा, ये पावर से पावर कट जाएगा, ये 100 से 100 कट गया, और ये देखिए अभी इधर क्या बचा, आर प्लस 100, और उधर क्या बचा, 107। तो चलिए आगे सॉल्व भी कर देते हैं, देखिए कम से कम आपको 50 तक का स्क्वायर, ठीक है, 20-25 तक का क्यूब, ऐसा याद रहे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को डील करने में बहुत इजी हो जाता है, मेन टाइम पर आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अगला लाइन क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर बराबर 107, ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा, 107 माइनस 100 यानी कि 7, आर हमसे पूछ रहा था ना, दर का प्रतिशत पूछ रहा था, 7% इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका 7 कौन सा ऑप्शन है, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हम, ठीक है, ऑप्शन उसमें 7 है, आपको दिखा देते हैं, आपको विश्वास नहीं हो तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, देखिए ऑप्शन जो है इसका 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, अभी मोबाइल दूसरा मोबाइल में दिख नहीं पा रहा है, 6%, 7%, 14% था इसका ऑप्शन,
और इस तरह से इसका ये है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इसमें भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा तो काम हो जाएगा, थोड़ा कॉमन सेंस। 4.75, आज पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए 4.75 गुने 4.75 गुने 4.75 माइनस 3.25 गुने 3.25 गुने 3.25। ठीक है, तो ये देखिए है, तीन बार एक ही गुना है तो किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है ध्यान रखिएगा, ये है ए क्यू, ए क्यू किस फॉर्म में है, ए क्यू माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरह से आप, अच्छा नीचे वाला देखिए, नीचे का पॉइंट जो है ये एक अंक के बाद था, ये दो अंक के बाद था पॉइंट। ठीक है, नीचे का पॉइंट, हाँ तो चलिए हम क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट जो है, पॉइंट यहाँ है तो इसको हम यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें इसको यहाँ ले आएंगे तो इसमें क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो देखिए किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या है उसको हम 10/10 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि कट के कितना आ जाएगा, एक। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, 10/10 से गुना कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा इसको हमने क्या किया है, 10/10 से गुना कर दिया है, लेकिन गुना हमने सिर्फ इसी में अप्लाई किया है, इसको रखा हुआ है कॉमन के में। ठीक है, कॉमन में है, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें गुना अप्लाई कर दिया 10 से, जैसे ही इसको गुना कीजिएगा, नहीं इसमें गुना नहीं करेंगे, इसमें हम 10 से भाग दिए हैं, ये वाला 10 का यूज़ किए हैं। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है कॉमन में उसी तरह है, कुछ भी कीजिए, चाहे इसको जो आपको ईजी लगे वो कीजिए। तो हम क्या किए, इसमें 10 से भाग दिए तो पॉइंट उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। आप ये भी कर सकते हैं, अब सब में पॉइंट यहाँ है। ठीक है, सब में पॉइंट यहाँ है अगला लाइन में। ठीक है, तो अगला लाइन हम लिखते हैं 4.75, अभी क्यूब है तो इसका क्यूब हो गया, माइनस 3.25 का क्यूब। ठीक है, और ई क्या है, ई एकदम वही सेम आ गया, तो इतना का स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है, 4.75 दो बार है ना, तो स्क्वायर हो गया, अब प्लस तो है ये है, ये भी क्या है, इसका भी स्क्वायर है, यानी कि 3.25 का भी स्क्वायर है। ठीक है, प्लस प्लस ए बी है, यानी कि ई और ई एक बार गुना है, यानी कि 4.75 गुने 3.25। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है, एक कई तरह के उसके फार्मूले होते हैं, एक ये भी होता है कि ए प्लस बी नहीं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमने इसको बैठा दिया, लास्ट में डिजिट बैठाएंगे। ठीक है, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह सेम है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम इसको बाद में लिखें ताकि सेट हो जाए, ऐसे ही कट गया, बचा कितना ए माइनस बी, तो ए में से बी घटा दिए, 10 को याद रखिएगा, नीचे वाला 10 यूज हुआ है, ऊपर वाला भी नहीं हुआ है, सब में जो है 10 जो है गुना में है 10। ठीक है, चलिए अब कितना बचा, ए माइनस बी, तो ए कितना है 4.75। ठीक है, 4.75 नीचे वाला का 10 का हमने यूज किया था, इसको भाग दिया था, तो ये पॉइंट यहाँ आया थोड़ा, चलिए 4.75 घटाना कितना है, 3.25 को घटाना है, 5 में से 5 गया शून्य, ठीक है, दशमलव है तो दशमलव, 5 में से 5 गया शून्य, दशमलव है दशमलव, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 15 आया। ठीक है, 15 आया, चलिए अब 15 आया, और इधर हमने क्या किया था, इधर हमने ये ऊपर वाला का यूज नहीं किया था, तो a माइनस बी हो गया, चलिए बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से बना है। अगर फिर देखिए बराबर समझ लीजिए, ये जो है ए क्यू प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में था, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में था,
ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में था, ठीक है। हमने क्या किया, इसको तोड़ा ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह पर, उसके बाद हमने नीचे वालों को भी ये ए क्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में इनको भी सजाया, ठीक है। और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और 10/10 हमने लिया था क्योंकि ये पॉइंट जो है यहाँ था तो इसको यहाँ लाना था, तो 10 से भाग देंगे, ठीक है। 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो अंक के बाद पॉइंट था ना, तो इसको हमने 10 से गुना किया है, सॉरी भाग नहीं दिया, 10 से गुना किया है, मिस्टेक हो गया दोस्तों, 10 से गुना किया है, तो यहाँ ये पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। ये नीचे वाला 10 अभी बचा हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये 10 जो है नीचे होगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, चलिए उसके बाद हो गया, ये 10 भी नीचे होगा, उसके बाद जो है यहाँ तक तो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। अभी इसका बट ये तो कट गया ऊपर का, ये ऊपर में है अभी, ठीक है। 15 ऊपर बचा, 10 नीचे बचा, ठीक है, क्योंकि 10 नीचे में है, तो 15 में 10 से भाग दीजिएगा, 1.5 आएगा, यही आंसर हो गया, ठीक है, 1.5। इस तरह से हमने आपको मैथ का जो है 73 तक पूरी तरह से आपको कंप्लीट हो गया। अब 74 से जो है, मैं अभी आपको देख के बताता हूँ 74 से क्या है। सेवेंटी फोर से आपको 72 तक आपको 73 ये 72 ही था दोस्तों। 73 से जो है आपको आपको आपके पास तो क्वेश्चन अवेलेबल है, 74 से जो है आपको साइंस है, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको हम कवर करेंगे, देखिए इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको, दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए नहीं दिखता है। धोनी की पिच को किससे मतलब साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 73 तक हो गया। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, वीडियो बड़ा हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए आपको इससे अंदाज़ा मिला कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से हल किया जाता है। आप इस क्वेश्चन को 3 बार 4 बार 5 बार बढ़िया से सॉल्यूशन कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी वीडियो हो उसको पूरा देखिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।